रक्षा क्षेत्र में फ्रांस भारत के बीच 36 राफेल लड़ाकू विमानों के सौदे पर लगी मुहर। सौदे से दोनों देशों के बीच औद्योगिक और तकनीकी सहयोग को मिलेगी मजबूती। सौदे के तहत भारत लगभग 59,000 करोड़ रुपए की लागत से फ्रांसीसी कंपनी डसाल्ट एविएशन से 36 बहुउद्देशीय राफेल विमान खरीदेगा। समझौते से उद्योग और तकनीक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने में मदद मिलेगी। फ्रांस के रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में मुलाकात की। पीएम मोदी ने फ्रांस से 36 राफेल विमानों की खरीद के लिए अंतर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर होने का स्वागत किया और इसके तेजी से तथा समय पर क्रियान्वयन की बात कही। वहीं फ्रांस के रक्षा मंत्री ने कहा कि वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ है। जीएसटी परिषद की 2 दिवसीय बैठक सम्पन्न। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा 20 लाख रुपए होगी जीएसटी के लिए छूट की सीमा। 20 लाख रुपए से कम टर्नओवर होने पर जीएसटी लागू नहीं होगा। हालांकि पूर्वोत्तर के लिए ये सीमा 10 लाख रुपए तय की गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से अधिक है, नई व्यवस्था में उनका मूल्यांकन केंद्र और राज्य के अधिकारी संयुक्त रूप से करेंगे। जीएसटी के मसौदा नियमों को अंतिम रूप देने के लिए काउंसिल इस महीने की 30 तारीख को दोबारा मिलेगी। सरकार का कहना है कि अपनी आय घोषित करने की अंतिम तारीख बढ़ाई नहीं जाएगी। राजस्व सचिव हसमुख अढ़िया ने एक ट्वीट करके सूचना दी। सरकार द्वारा संपत्ति घोषित करने वालों को 30 सितंबर 2017 तक 3 किस्तों में धनराशि जमा करने की अनुमति भी प्रदान है। केरल के कोझिकोड में हो रही भाजपा राष्ट्रीय परिषद की बैठक में उरी आतंकी हमला मुख्य एजेंडा है। भाजपा महासचिव राम माधव ने कहा है कि उरी हमले के बाद कूटनीतिज्ञ मोर्चे पर बहुत कुछ किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम एक जनसभा को संबोधित करेंगे। नहीं सुलझा कावेरी पानी के बंटवारे का मुद्दा। कर्नाटक विधानसभा ने कावेरी बेसिन और बेंगलुरु में रहने वाले लोगों के लिए पेयजल के अलावा अतिरिक्त पानी नहीं छोड़ने के संकल्प को सर्वसम्मति से पारित किया। मध्य प्रदेश को शनिवार तड़के उज्जैन रोड पर 2 वाहनों की सीधी टक्कर में करीब 9 लोगों की मौत हो गई और अन्य 18 लोग घायल हो गए। सभी लोग राजस्थान के भीलवाड़ा से आ रहे थे। ये लोग राजस्थान के पाटन के निवासी बताए जा रहे हैं। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई और सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। भारतीय वायुसेना के टाइगर स्क्वाड्रन ने शुक्रवार को हवा से हवा में मार करने वाली बियॉन्ड विजुअल रेंज मीका मिसाइल को मिराज 2000 अपग्रेड एयरक्राफ्ट से सफलतापूर्वक फायर किया। इस मिशन की सफलता के साथ ही भारतीय वायुसेना दुनिया की उन चुनिंदा वायुसेना में शामिल हो गई है जिनके पास बियॉन्ड विजुअल रेंज हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल की ताकत है। पाकिस्तान के दमन के खिलाफ बलूचिस्तान के लोगों ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। बलूचिस्तान के लोगों से सहानुभूति जताते हुए यूरोपीय संघ ने कहा है कि अगर पाकिस्तान ने वहां मानवाधिकार का उल्लंघन बंद नहीं किया तो उसे प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिका में रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों ने व्हाइट हाउस में अपील दायर कर पाकिस्तान को आतंकवाद प्रायोजित करने वाले देश का दर्जा देने की बात कही है। ऐसा अमेरिकी कांग्रेस के 2 प्रभावपूर्ण विधायकों द्वारा इस बारे में एक विधेयक प्रस्तुत करने के बाद हुआ है। इस अपील को अमेरिका और भारत सहित अनेक देशों में रह रहे उन भारतीयों की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है जो पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद से लगातार प्रभावित हो रहे हैं। अमेरिका के बर्लिंगटन के कैस्केड शॉपिंग मॉल में जबरदस्त फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये जगह उत्तरी सिएटल से करीब 105 किलोमीटर की दूरी पर है। मौके पर पहुंची पुलिस ने इलाके को सील कर दिया है। हालांकि शूटर अभी भी फरार है। रूस ने शुक्रवार को उन रिपोर्टों को सिरे से खारिज कर दिया जिनमें कहा जा रहा था कि पहला रूस पाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान में होगा। दोनों देशों के करीब 200 सैनिक 2 हफ्तों के फ्रेंडशिप 2016 नाम के सैन्य युद्ध अभ्यास में भाग लेंगे। रूस ने साफ किया है कि पाकिस्तान के साथ ये युद्ध अभ्यास खैबर पख्तूनख्वा इलाके में हो रहा है न कि गिलगित बाल्टिस्तान में। सीरियाई सरकार के विद्रोहियों के नियंत्रण वाले क्षेत्र पर दोबारा कब्जे करने की घोषणा के घंटों बाद अलेप्पो में ताजा हवाई हमले हुए हैं। इन हमलों में 90 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि सीरिया और रूस के युद्ध विमान इन हमलों में शामिल हैं। हालांकि रूस ने इसमें शामिल होने की पुष्टि नहीं की है। कानपुर टेस्ट के 3rd दिन भारतीय गेंदबाजों ने किया कमाल। विलियमसन और लैथम की खतरनाक पार्टनरशिप पर लगाई विराम। आर अश्विन की फिरकी का दिखा दम।